ऐसे इतना अनर्थ हो रहा है तो तिथि नक्षत्र क्या करेगा, क्यों काम नहीं करता है, कुछ नहीं करेगा, होगा वही जो राम रच राखा। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त होके मनुष्य के करे आशा, क्या है उसकी विश्वासा। मेरा भक्त हो मेरा आशा करेगा, लेकिन मेरा भक्त होके मनुष्य का आशा करता है। साधु होके भी हम लोग जैसे साधु तो बन गए हैं, लेकिन फिर भी दूसरा का आशा करते, वो सेठ आएगा, वो भक्त आएगा, वो हमको कुछ देगा, वो हमको देगा, कोई विपत्ति में मुझसे कुछ मांग लेंगे, ये अनुष्ठान हो रहा है, चलो भगत जी से कुछ मांग लेंगे, वो कुछ सेवा कर देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, निर्भर प्रभु के ऊपर। तुम्हारा ये चिंता करने का तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं। अगर चिंता आ गया तो समझना पड़ेगा तुम अभी तक समर्पित हुए नहीं। ये है परीक्षण। चिंता की, हाँ हाँ, तब अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो समझना चाहिए आप तुम्हारे अहंकार के ऊपर तुम्हारे भरोसा है, अभी तुम्हारे निर्भरता आया नहीं। यह निर्भर है एकदम, जो भी हो जाए, जदृच्छ लाभ संतुष्ट, जैसे मिल जाए, जैसे अवस्था आ जाए हमारे सामने, परिस्थिति आ जाए, संतोष। ये नहीं चिंता करना जे हम नहीं रहने से हमारे पुत्र करना है, इसको कौन देखभाल करेंगे, ये ऐसा भी नहीं। वो अपना अपना कर्म लेके आया है, तुम ना बिगाड़ने वाले हो ना सुधारने वाले हो। एक ही घर में पास पुत्र, एक ही घर में अन्न खा करके पालित हो रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ता है, एक ही पिता माता के आदर पा करके बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होके कोई होता है विद्वान, कोई होता है मूर्ख, कोई होता है दरिद्र, कोई होता है पैसा वाला धनी। ऐसा क्यों, ऐसा वैषम्य क्यों, क्या कारण? पास कन्या है, एक कन्या अच्छा घर में अच्छा कुल में शादी हो रही है, सुखी है, और एक कन्या तो वहां से बिताड़ी तो होकर के पिता के पास आके हाजिर हो गए, हमारे लिए वहां कोई स्थान नहीं। ऐसा क्यों, पत्रा देख के शादी कराया नहीं, तिथि नक्षत्र देखा नहीं, कोई तिथि नक्षत्र पक्षत्र कुछ नहीं होता है, होगा वही जो राम रच राखा। ये तो मानते नहीं है, सोचते तिथि नक्षत्र, हम तो मानते नहीं है तिथि नक्षत्र, हर बेकार सा तिथि नक्षत्र। ठाकुर जी के ऊपर निर्भर करके करो जो करेंगे ठाकुर जी, तिथि नक्षत्र क्या करेगा, ऐसे इतना अनर्थ हो रहा है तो तिथि नक्षत्र क्या करेगा, क्यों काम नहीं करता है, कुछ नहीं करेगा, होगा वही जो राम रच राखा।